खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 370 पर फैसले का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें देखिए, उनका हित समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और उन्होंने तीन तलाक, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अनुच्छेद 370 हटाने को न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बड़ी जीत माना जा रहा है बल्कि इसे लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर भी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिन पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने कश्मीर पर इस फैसले का विरोध किया। इसमें कुछ स्वार्थी समूह, राजनीतिक वंश के वे लोग हैं जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और कुछ विपक्ष के मित्र शामिल हैं। देश के लोग, चाहे जो भी उनकी राजनीतिक विचारधारा हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उठाए गए इस फैसले का समर्थन किया। यह पूरी तरह राष्ट्र का विषय है, राजनीति का नहीं। देश के लोग इस फैसले को मुश्किल मान रहे हैं लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि जो अब तक असंभव लगता था उसे संभव किया जा रहा है। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल की तरह वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है जिसमें वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया था लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद पाकिस्तान को उन्हें छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है लेकिन कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद इन पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है और इंटरनेट और फोन सेवा बंद है। राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, हालांकि नेट और फोन सेवा बहाल होने में कुछ दिन लग सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर मुनीर खान ने कहा कि घाटी को लेकर फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वह 2010 और 2016 के पुराने वीडियो को आपका बताकर वायरल किया जा रहा है। ये सब एजेंडे का हिस्सा है लेकिन हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज कश्मीर के हालात पर मुनीर खान के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आने वाले 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है। इस साल के आखिरी में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये तीनों राज्य बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही मिलने वाला है। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा में प्रचंड जीत दर्ज कराते हुए 303 सीटें पाई हैं। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन सकता है। जी हां, आज तीनों पार्टियों पर चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने तीनों पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि इनके प्रदर्शन के आधार पर क्यों ना इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के मुताबिक किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिलता है जब उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करें। DCP NIT विक्रम कपूर ने आज सुबह खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि विक्रम कपूर ने आज सुबह करीब 6 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 30 पुलिस लाइन में अपने सरकारी आवास में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। विक्रम कपूर 2020 में रिटायर होने वाले थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जयपुर में गलता गेट, रामगंज, सुभाष चौक, माणक चौक, ब्रह्मपुरी कोतवाली, संजय सर्किल, नाहरगढ़, शास्त्री नगर,
भट्टा बस्ती, आदर्श नगर, मोती डूंगरी, लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर और जवाहर नगर में सोमवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि जयपुर में सोमवार की रात दो समुदाय आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। सांप्रदायिक बवाल की इस घटना में 9 पुलिस कर्मियों सहित दोनों ही पक्षों के कुल 24 लोगों के घायल होने की खबर है। मिशन चंद्रमा पर निकले इसरो को चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दिया है। इसरो के मुताबिक बुधवार की सुबह करीब 3:30 बजे हमने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसे ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस दौरान चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर अपने लक्ष्य चंद्रमा की ओर आगे बढ़ गया है। 20 अगस्त को चांद की कक्षा में घुसने के करीब 18 दिन बाद यानी 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि जब मामला राजनीति से जुड़ा नहीं होता तो सीबीआई अच्छा काम करती है, लेकिन राजनीति से जुड़े संवेदनशील मामलों में उनकी पड़ताल न्यायिक जांच के मानकों को पूरा नहीं कर पाती। आपको बता दें कि डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के 18वें संस्करण में सीजेआई ने सीबीआई को आड़े हाथ लिया और कहा कि सीबीआई की अपनी एक खास जगह है, लेकिन उनकी नाकामी ने ध्यान ज्यादा खींचा है। हाई प्रोफाइल मामलों में दोषी को सजा दिलाने में नाकाम रहने को लेकर सीजेआई ने सीबीआई को जमकर घेरा। भारत में आतंकी गतिविधियों और विवादित मुस्लिम धर्म उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा मलेशिया में रह रहे हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर वहां के मंत्री ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मलेशियाई सरकार में मानव संसाधन मंत्री एम कुलासेग्रन ने कहा है मलेशियाई हिंदुओं पर सवाल उठाने वाले जाकिर नाइक पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि जाकिर नाइक ने कहा था कि मलेशिया में रहने वाले हिंदू मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से ज्यादा नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में संत रविदास का एक पुराना मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए जाने की कार्रवाई के बाद बवाल खड़ा हो गया है। पंजाब और हरियाणा में रविदास समर्थकों ने मंगलवार को कई जगह बंद कर और प्रदर्शन किए। इन राज्यों में दलित समुदाय के लोग मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध बढ़ता देख पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उधर केंद्र सरकार भी मामले के समाधान के लिए एक्टिव हो गई है। जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान की एक और धमकी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अब जिहाद की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भारत युद्ध करता है तो उनके पास जिहाद और मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है और उनका हरदम साथ देने को तैयार है। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह अपने एक परफॉर्मेंस की वजह से मुश्किलों में फंस गए हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उनका एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें वो उस वीडियो में पाकिस्तान में परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे थे। अब वीडियो सामने आने के बाद मीका सिंह का काफी विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मीका सिंह पर बैन लगा दिया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।